हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने उसका पहला सब टॉपिक लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको डायग्राम के थ्रू समझा था। और इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्यूब्यूल्स को हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज जो हम देखने वाले हैं वो इन ट्यूब्यूल्स को कैटेगराइज करने वाले हैं कि ये ट्यूब्यूल्स किस किस कौन कौन से टाइप की है। तो इसमें ट्यूब्यूल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी ट्यूब्यूल्स और असेसरी ट्यूब्यूल्स, या बोल दो प्राइमरी डक्ट्स और असेसरी डक्ट्स। प्राइमरी डक्ट्स जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है, इसलिए उनको प्राइमरी डक्ट्स बोल रहे हैं। अब बाकी के जो भी डक्ट्स हैं वो सारी असेसरी डक्ट्स है। फर्दर असेसरी डक्ट्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। असेसरी डक्ट्स में इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स, जो टेस्टिस के अंदर है उनको इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स बोल रहे हैं, और जो टेस्टिस से बाहर है उनको एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स बोल रहे हैं। अब इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स में कौन है? ट्यूबुलाई रेक्टाई टेस्टिस के अंदर है, जो स्टेटेड फॉर्म में है। उसके बाद जो डेंस नेटवर्क है, रेटे टेस्टिस, रेटे मीन्स नेटवर्क, तो जो नेटवर्क है इन ट्यूबुल्स का वो भी इंट्रा टेस्टिकुलर है। और थर्ड नंबर की वास इफ्रेंसिया, जो वासा इफ्रेंसिया है वो भी टेस्टिस के अंदर ही मानी जाती है, मतलब ये भी इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल या इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स हैं। तो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स में तीन हो गई यहाँ पे, ट्यूबुलाई रेक्टाई, वासा इफ्रेंसिया और रेटे टेस्टिस। अब एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स जो कि टेस्टिस से बाहर है, तो टेस्टिस से बाहर कौन है? फर्स्ट इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस जो है टेस्टिस से बाहर है, और सेकंड वास डिफरेंस, ये दोनों एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स हैं। अब यहाँ पर एक डाउट बनता है कि जो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में बनते हैं वो नॉन मूवेबल होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं, तो फिर वो एपिडिडाइमिस में कैसे आए? जब वो चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, तो एपिडिडाइमिस में कैसे आए? वो इसलिए आए क्योंकि जो ये डक्ट्स होती है इनमें फ्लूइड्स भरा हुआ रहता है, और वो फ्लूइड्स उनको एपिडिडाइमिस की तरफ मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। दूसरी बात, जो वासा इफ्रेंसिया है इसकी जो एपिथीलियम है वो सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम होती है। सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम मीन्स उसमें सीलिया पाए जाते हैं, और सीलिया जो है स्पर्म को एपिडाइमिस की तरफ मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। सीलिया का मूवमेंट इस तरह चलता है कि स्पर्म रेटे टेस्टिस से एपिडाइमिस में इजीली आ पाए। देन फिर एपिडाइमिस में स्टोरेज होते हैं, उनको पोषण न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वास डिफरेंस में, तो ये था ट्यूब्यूल्स का कैटेगरीशन। नेक्स्ट डायग्राम में हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की हिस्टोलॉजी देख रहे हैं। हिस्टोलॉजी में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा एक कंपार्टमेंट लिया है मैंने। टेस्टिस में जो 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसमें से एक कंपार्टमेंट लिया है जिसमें क्या प्रेजेंट है? तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसकी हिस्टोलॉजी देख रहे हैं। लाइक ए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इसको जैसे ही सेक्शन कट करेंगे तो यहाँ पर ऐसी नजर आएगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एक ये तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। किसमें? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, इससे पहले वाले डायग्राम में हमने समझा था। तो इसके आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ट्यूनिका प्रोपीरिया, ट्यूनिका प्रोपोरिया है, जो क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। उसके बाद जो इसकी एपिथीलियम है, जर्मिनल एपिथीलियम, वो किस टाइप की सेल से मिलकर बनी हुई है? क्यूबॉइडल सेल्स। और जर्मिनल एपिथीलियम में कौन है? स्पर्म प्रीकर्सर सेल, स्पर्म प्रिकर्सर सेल। कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करती है। साथ ही इस एपिथीलियम में एक तो हो गई क्यूबॉइडल सेल, जो कि जर्मिनल एपिथीलियम है। जर्मिनल एपिथीलियम जो है वो क्यूबॉइडल सेल्स है, और वास्तव में ये कौन है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म प्रिकर्सर सेल्स, ठीक है। अब इनके बीच बीच में क्या लगे हुए हैं? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स कैसी है? कोल्यूमनर एपिथीलियम। अब सर्टोली सेल्स क्या फंक्शन करती हैं वो देखने वाले हैं। साथ ही जो ये बीच बीच में लगी हुई है वो कौन सी सेल से? कोल्यूमनर सेल से, जो कि सर्टोली सेल से। और सर्टोली सेल्स इसमें क्या वर्क परफॉर्म करती हैं? फर्स्ट देख रहे हैं एएमएच, एएमएच का सिक्रेशन करती है, हार्मोन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि मुलेरियन डक्ट के निर्माण को रोकता है। मुलेरियन डक्ट्स फीमेल में पाई जाती हैं। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा रहता है, तब यह मुलेरियन डक्ट उसमें बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करता है कौन? एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि मुलेरियन डक्ट के निर्माण को रोकता है ताकि फीमेल के करेक्टर नहीं आए। दूसरा एबीपी, एबीपी रिलीज करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यह एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या वर्क करता है? टेस्टोस्टेरोन को बाइंडिंग करने में, अभी आगे पढ़ेंगे।
दूसरा सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर भी रिलीज होते हैं यहां पर जो कि स्पर्मियोजेनेसिस से, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण को करवाता है। मतलब जो ये एबीपी है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये तो वर्क कर रहा है टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने में, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन है वो यहां पर बनी रहे। साथ ही जो सर्टोली सेल्स है वो कुछ फैक्टर रिलीज कर रही है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस चलता है उसकी जो लास्ट स्टेज है जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है कौन, जो भी सम फैक्टर एनसीईआरटी मेंशन किए हुए सम फैक्टर्स। और इनहिबिन, इनहिबिन भी रिलीज किया जाता है सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल से इनहिबिन रिलीज किया जाता है। क्यों किया जाता है, जब एक्सटिंग क्वांटिटी में यहां पर स्पर्म बन जाते हैं तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए इनहिबिन रिलीज किया जाता है ताकि स्पर्म ज्यादा नहीं बने। जब स्पर्म की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो इसकी वॉल पर प्रेशर लगने शुरू हो जाता है, किसकी वॉल पर, टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की वॉल पर। और यहां पर ये सर्टोली सेल्स यहां पर क्या करती है, इनहिबिन के सिक्रेशन करती है, और इनहिबिन के सिक्रेशन से जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, और यहां पर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस कम होए और ये प्रोसेस मेंटेन रहे। साथ ही ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, स्पर्म को। फिर अगला है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस भी शो करती है, क्यों करती है, कुछ जो डेड स्पर्म्स होते हैं उनको यह भक्षण कर लेती है, उनको खा जाती है, मतलब फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करती है। तो ये सारे कार्य किसके, सर्टोली सेल्स के। तो बात हो गई यहां पर जर्मिनल एपिथीलियम में पाए जाने वाली स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स की। नेक्स्ट आगे है यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स को, जो इन लीडिंग सेल्स है ये क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। और यह टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बहुत सारे वर्क परफॉर्म करता है, क्या क्या करता है, ये एग्रेसिवनेस लाता है मेल के अंदर। सेकंड, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये मसल्स में ग्रोथ करता है ये, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सब ये हॉर्मोन करवाता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। अगला, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी ये डेवलप करवाता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। साथ ही यह टेस्टोस्टेरोन जब इन लीडिंग सेल्स से सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन किससे सीक्रेट होता है, लीडिंग सेल्स में, कब होता है, एलएच के इन्फ्लुएंस में। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज होता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन रिलीज होता है जो कि लीडिंग सेल्स पे वर्क करता है और इससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन इन लीडिंग सेल्स से रिलीज होता है तो साथ ही ये बॉडी में भी फैल जाता है जो सारे वर्क करवाता है, और टेस्टिस में क्या वर्क करवाता है, यह टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर पहुंच जाता है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर पहुंचकर किसको स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो ये इसका वर्क है एक मेन। साथ ही अगर इसकी वॉल देखें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल की, तो इसमें क्या है, इनर मोस्ट जो लेयर है वो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है जो कि इसको वेस्कुलर बनाए रखती है, यहां पर ब्लड की हाई क्वांटिटी बनाए रखती है क्योंकि यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का वर्क होता है। साथ ही यहां इम्यूनोलॉजिकल जो सेल्स होती है WBC उनकी भी संख्या ज्यादा रहती है। और जो आउटर लेयर वो क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया वही है जो लास्ट डायग्राम में हमने पढ़ा था कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया का एक सेप्टा तो लॉन्गिट्यूडिनल चलता है, बाकी सारे सेप्टा हॉरिजॉन्टल चलते हैं जिससे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का निर्माण होता है। तो यहां पर बात कर ली हमने जर्मिनल एपिथीलियम की जो कि क्यूबॉइडल सेल्स है, साथ ही हमने बात कर ली सर्टोली सेल्स की और लीडिंग सेल्स की। हम बात कर चुके हैं टेस्टिस के सेक्शनल व्यू की और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के सेक्शनल व्यू की। अब नेक्स्ट डायग्राम ले रहे हैं स्क्रोटल सेक का, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या इसके फीचर है, क्या फायदा है कि स्क्रोटल सेक में जो टेस्टिस रखे हैं वो यहाँ पर सूटेबल एनवायरमेंट फील करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि ये टेस्टिस रखे हुए हैं स्क्रोटल सेक में, ये जो है स्क्रोटल सेक की वॉल है, स्क्रोटल सेक की वॉल, और ये किन किन लेयर से मिलकर बनी हुई, इनर मोस्ट लेयर जो है वो स्पर्मेटिक फेसिया है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ये इनर मोस्ट लेयर यहां से चली, यहां से स्टार्ट हुई, यहां से होती हुई यहां पर जाके स्पर्मेटिक कॉर्ड में मिल गई। तो स्पर्मेटिक फेसिया जो इनर मोस्ट लेयर है किसकी, स्क्रोटल सेक की, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। आगे जाकर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में मिल गई, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो एक
दोनों टेस्टिस के अपर पोल पर जुड़ी हुई रहती है। ये टेस्टिस का अपर पोल, ये टेस्टिस का लोअर पोल। टेस्टिस जो है वो अपर पोल से, दोनों टेस्टिस अपर पोल से अपने अपने साइड की स्पर्मेटिक कोड से जुड़े हुए रहते हैं। ये स्पर्मेटिक कोड क्या कंटेन करती है? इस स्पर्मेटिक कोड के अंदर ही टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, लिम्फेटिक, नर्व्स एंड वास डिफरेंस, ये सब इससे होकर निकलते हैं। किसके अंदर से? स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड क्या कंटेन करती है? टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक, नर्व्स एंड वास डिफरेंस, ये सब इसके अंदर से होकर निकलते हैं और ये स्पर्मेटिक कोड आगे जाके बॉडी वॉल के चिपक जाती है और जो वास डिफरेंस नर्व्स वो ऊपर चली जाती है बॉडी में। वास डिफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लडर से लूप बना के वापस यूरेथ्रा में आ जाती है, बाकी जो नर्व्स और लिम्फेटिक वो आगे चली जाती है सप्लाई। तो ये दोनों टेस्टिस हो गए अपर पोल लोअर पोल। लोअर पोल जो है टेस्टिस का वो किससे जुड़ा हुआ है? गुबर्नेकुलम। गुबर्नेकुलम जो टिश्यू है वो इसको स्क्रोटल सैक की वॉल से टच होने से बचाता है, इसलिए यहाँ पर गुबर्नेकुलम जो टिश्यू है उससे टेस्टिस का लोअर पोल जुड़ा हुआ है। अब बात हो चुकी है स्क्रोटल सैक की इनर मोस्ट लेयर की स्पर्मेटिक फेसिया। अब इसके बीच में पाई जाती है डार्टोस मसल। डार्टोस मसल जो है वो थर्मोरेगुलेशन का वर्क करती है। कैसे वर्क करती है कि डार्टोस मसल जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर तो कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं करती है, लेकिन जैसे ही विंटर का टाइम आता है, कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड एनवायरमेंट है बाहर का, तो डार्टोस मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रेक्शन से इसमें सिकुड़न आ जाती है स्किन में और ये जो वॉल्यूम है स्क्रोटल सैक का वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि वॉल्यूम कम होने से इसकी स्क्रोटल की वॉल में, स्क्रोटल सैक की वॉल में कॉन्ट्रेक्शन होने से, किसकी वजह से? क्योंकि डार्टोस मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो ये टेस्टिस जो है ऊपर की साइड पे चले जाएंगे हल्के से, जिससे कि यह किसके? पेल्विक फ्लोर के टच हो जाएंगे या पेल्विक फ्लोर के पास लग जाएंगे, उससे कि विंटर के टाइम में इनको बॉडी की हीट मिलती रहे और यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया जाए। एक निश्चित टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती हैं। तो डार्टोस मसल भी बहुत हेल्पफुल है और इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वह स्किन होती है और स्किन पर हेयर लगे हुए रहते हैं जो भी एनवायरनमेंट में टेम्परेचर से कोरिलेटेड करते हैं। तो स्क्रोटल वाल में तीन लेयर हो गई हमारे पास। इनर मोस्ट हो गई स्पर्मेटिक फेसिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, उसके बाद आती है डार्टोस मसल, स्पूथ मसल है ये और थर्मोरेगुलेशन का वर्क करती है, और जो सबसे आउटर लेयर है वो है स्किन हेयर के साथ में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आखिरी डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इस डायग्राम का जो व्यू है वो पोस्टीरियर व्यू है, मतलब जैसे कि ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू जैसे हम सीधे खड़े रहते हैं, तो ये फ्रंट व्यू और पोस्टीरियर व्यू पीछे वाला व्यू, तो ये पीछे वाला व्यू है इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर मेंशन की गई है डायग्राम में। ये जो ग्रीन कलर का है ये यूरिनरी ब्लडर है और ये दो यूरेटर आ रही है जो किडनी से आ रही है, ठीक है, यूरिन को लेके आती है। उसके ठीक बाद यही इसी लोकेशन पर सेमिनल वेसाइकल पाया जाता है और आगे जाके जैसे ही ये इजेकुलेटरी डक्ट में खुलता है सेमिनल वेसाइकल, और उधर से ये वास डिफरेंस जो आ रही है यूरिनरी ब्लडर से लूप बनाकर वास डिफरेंस भी यूरेथ्रा में खुलती है और सेमिनल वेसाइकल की इजेकुलेटरी डक्ट भी यूरेथ्रा में खुलती है। यूरेथ्रा से यह आगे जाके सीधे पेनिस में खुलती है। तो फर्स्टली हम ले रहे हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल्स के फ्लूइड में क्या पाया जाता है, इसके सिक्रेशन में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोस, प्रोस्टाग्लैंडिस और फाइब्रिनोजन। ये जो है सीमन के कोगुलेशन में हेल्प करता है तथा स्पर्म के क्रोमेटिन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, साथ ही यह स्पर्म को मोटिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका? सेमिनल वेसाइकल के सिक्रेशन का, कि इसके सिक्रेशन में पाए जाने वाले कुछ ऐसे पदार्थ जो कि इसको, जो स्पर्म जो है फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में जब स्पर्म इजेकुलेट किए जाते हैं वहां पर जो उसमें मिक्सिंग है किसकी? सेमिनल वेसाइकल के फ्लूइड्स की। उस फ्लूइड्स में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ फीमेल की वेजाइना में पाए जाने वाले इम्यूनोलॉजिकल सेल्स या इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को सप्रेस कर देते हैं ताकि वह स्पर्म को किल नहीं कर पाए और स्पर्म वहां पर जीवित रहे, ठीक है। क्या बात बोली कि सेमिनल वेसाइकल्स के फ्लूइड्स में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं
जो कि स्पर्म को जीवित रखने में मदद करते हैं। कहाँ पर? फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में। जब स्पर्म फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में इजुकुलेट किए जाते हैं तो वहाँ पर फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में पाए जाने वाली इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को सप्रेस कर देते हैं। कौन? सेमिनल वेसाइकल के फ्लूइड्स में पाए जाने वाले पदार्थ। तो ये रहा सेमिनल वेसाइकल का यूज। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके सिक्रेशन में पाए जाते हैं क्लोटिंग एंजाइम, कैल्शियम आयन, जिंक आयन और एसिड फॉस्फेटेस, और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। इसका मेनली वर्क होता है कि ये प्रोवाइड करवाता है ऑप्टिमम पीएच फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटिलिटी बनी रहे उसके लिए ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करवाता है उस फ्लूड में। अगली है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड जो है वह म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और यह म्यूकस क्या हेल्पफुल क्या मदद करता है इसको कि जब भी इंटरकोर्स होता है, जब भी कॉपुलेशन किया जाता है तो यह ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इसका जो सिक्रेशन है वो म्यूकस टाइप का है, वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये इसके फीचर रहे। ये वास डिफरेंस जो है यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर के यहाँ पर इस टाइप से लूप बनाती है जो डायग्राम में शो हो रहा है। ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये दोनों यूरेटर है, ये पेनिस है, और ये आगे का जो सबसे बड़ा लार्ज हिस्सा रहता है टिप ऑफ पेनिस वो कहलाता है ग्लांस पेनिस, और इसके ऊपर जो स्किन रहती है वो कहलाती है फोर स्किन। अब बात करते हैं थोड़ी सी यूरेथ्रा की। जो यूरेथ्रा पाई जाती है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी यूरेथ्रा पाई जाती है। यूरेथ्रा को भी तीन नेम दिए हुए हैं। जो इस ग्लैंड के जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पूरी एक ग्लैंड है, ये लोब नहीं है, ये ग्लैंड इस यूरेथ्रा के घूमी हुई है, मतलब यूरेथ्रा इस ग्लैंड के अंदर से जारी है। तो ये जो ग्लैंड है वो बाइलोब्ड नहीं है, एक सिंगल ग्लैंड है, इसमें लोब नहीं है। तो इस ग्लैंड में से होकर गुजरने वाली यूरेथ्रा को हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। देन उसके बाद जो यूरेथ्रा ऊपर से चलकर पेल्विक फ्लोर तक रन करती है, यूरेथ्रा ऊपर से आ रही है, तो यूरेथ्रा जब इसमें से निकली प्रोस्टेट ग्लैंड में से, तो उस वाले यूरेथ्रा के भाग को बोल दिया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और जैसे ही यूरेथ्रा पेल्विक फ्लोर तक रन करेगी और पेल्विक फ्लोर के वहां से मुड़ेगी, तो उस वाले हिस्से को नाम देंगे हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। देन उसके बाद जो यूरेथ्रा पेनिस में रन करेगी उसको देंगे हम पिनाइल यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा के तीन नेम हैं जो कि उसकी लोकेशन के आधार पर दिए गए हैं। तो ये सारा डायग्राम है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। नर जनन तंत्र यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसका एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, और ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उस लेक्चर में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे जो अगला वाला लेक्चर मैं अपलोड करूँगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा उसका टॉपिक। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचे। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए।